धनबाद कोडरमा गया के रास्ते होकर चलने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का मार्ग 5 फरवरी से बदलकर चलाने और कई को रद्द किया गया है। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी। हावड़ा भुवनेश्वर की ओर से नई दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली ट्रेनों के साथ ही उधर से आने वाली ट्रेनों के यात्री परेशान होंगे। ऐसे में फरवरी महीने में सफ़र का प्लान बना रहे और टिकट कटा कर रखने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के नैनी और प्रयागराज छिवकी के बीच तीसरी लाइन और नई करछाना स्टेशन के डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर लाइन को जोड़ने के लिए प्रयागराज छिवकी स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग किया जाएगा। इसके मद्देनज़र रेलवे ने इस रूट पर चलने वाले कई ट्रेनों को फरवरी में अलग अलग दिनों में रद्द कर दिया है। रद्द की गई ट्रेनें में ट्रेन संख्या 22805 भुवनेश्वर आनंद विहार एक्सप्रेस 5, 12, 19 और 26 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 22806 आनंद विहार भुवनेश्वर एक्सप्रेस 7, 14, 21, 28 फरवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 12176 चंबल एक्सप्रेस 8, 13, 19 और 26 फरवरी को अपने निर्धारित समय से विलंब से चलेगी। ट्रेन संख्या 20976 आगरा कैंट हावड़ा चंबल एक्सप्रेस 3, 10, 17, 24 फरवरी को अपने निर्धारित समय से विलंब से चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 22911 इंदौर हावड़ा सिप्रा एक्सप्रेस मानिकपुर लिंक केविन जंक्शन के बीच 4, 11 एवं 18 फरवरी को विलंब से चलेगी। ट्रेन संख्या 12321 हावड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई मेल 28 को अलग अलग स्टेशनों पर रुककर चलेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 12308, 22308 जोधपुर बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ की तिथि 5 से 27 फरवरी तक प्रयागराज मिर्जापुर DDU के बदले प्रयागराज प्रयागराज रामबाग वाराणसी DDU होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 12816 आनंद विहार टर्मिनल पुरी नंदनकानन एक्सप्रेस 6 से 28 फरवरी तक प्रयागराज मिर्जापुर DDU के बदले प्रयागराज प्रयागराज रामबाग DDU जंक्शन होकर चलेगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।